गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। हम पढ़ेंगे 11 जनवरी की से एक दिन पहले की, मतलब 10 जनवरी की डेली करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें जो जो भी स्टूडेंट रह गए हों उन लोगों को ऐड करने के लिए बोलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे 10 जनवरी की डेली करंट अफेयर, ठीक है। पीएम मोदी की घोषणा के अनुसार, ठीक है, किसकी? पीएम मोदी की घोषणा के अनुसार, पीएम मोदी की घोषणा, ठीक है। पीएम मोदी ने क्या किया? पीएम मोदी ने एक घोषणा की है, ठीक है, जिसके तहत 26 दिसंबर को, किसको? 26 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस के रूप में। किसको 26 दिसंबर को मनाया जाएगा? कौन से? वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, ठीक है। वीर बाल दिवस को, वीर बाल दिवस के रूप में किसको 26 दिसंबर को मनाया जाएगा? क्यों मनाया जाएगा? कि मनाया जाएगा क्योंकि इस दिन, और ये किस दिन घोषणा की? ये की है किसके? गुरु पूर्व, गुरु पूर्व के मौके पर यह की है। क्या की? इस चीज की घोषणा की है क्योंकि इस दिन, साहेब जाद और कौन? साहेब जाद जोरावर सिंह और साहिदवाद, साहेबजादी फतेह सिंह, क्या हुआ था इन लोगों का? क्या गया था? इनकी शहादत पर चिन्हित करते हुए, इनकी शहादत को चिन्हित करते हुए पीएम मोदी ने इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषणा किया है। ये दोनों क्या? ये दोनों कौन थे? 10वें सिख गुरु गोविंद गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, ठीक है। ये दोनों कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। इन दोनों के लिए क्या किया सरकार ने, मतलब पीएम मोदी ने इस चीज को घोषित कर दिया कि मतलब इस दिन को क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। चीन के, किसके? चीन के चौंगई, चीन के चौंगई व 5 चंद्र लैंडर, क्या है? 5 चंद्र चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज के लिए, किसकी? पानी की खोज में, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि चंद्रमा पर इन्होंने पानी खोज के लिए पहला ऑन, कौन सा? पहला, फर्स्ट ऑन साइड फर्स्ट ऑन साइड सबूत मिला, ठीक है। पहला ऑन साइड सबूत मिला इन्होंने बताया। और ये अध्ययन किस में प्रकाशित किया गया? इन्होंने जो मतलब इस चीज़ का अध्ययन किया, ये प्रकाशित किस में किया गया? साइंस एडवांस एडवांटेज जर्नल में इसको क्या किया? प्रकाशित किया। किसने? चीन ने इस चीज को प्रकाशित किया। इन्होंने बताया लैंडर पर चंद्रमा की मृदा, इसकी मतलब लैंडिंग स्थल पर क्या है? चंद्रमा की जो मिट्टी है, मतलब जिसको मृदा कहेंगे, उसमें 120 भाग में 120 भाग प्रति प्रति मिलियन प्रति मिलियन से कम में है, ठीक है। प्रति मिलियन से कम है, ठीक है। और यहाँ या इसको ही बोल दो 120 ग्राम टन, 120 ग्राम से 120 ग्राम में एक टन से कम है क्या? पानी, ठीक है। ये हल्के क्या चीज़? पानी
इसकी मतलब मृदा है वो पानी की इन्होंने एक तरीके से प्रतिशतता बताई है कि इसमें कितनी कम है और कितनी ज़्यादा है। ठीक है, किसने बताई? इनके लैंड है। इन्होंने और एक चीज़ और बताई, इन्होंने बताई है ये हल्की, क्या ये हल्की कौन सी चंद्रमा में, ये हल्की बेस्फो टोगत गति है, गढ़ती है सेल। ठीक है, बेस्ट फोटो गढ़ती है सेल में, मतलब जो उसको मतलब जो उसकी सेल होती है बेस्ट फोर्ट गढ़ती सेल। ठीक है, इसमें गढ़ती सेल में 100 बीपी 120 पीपीएम। ठीक है, 120 प्रति एम मतलब क्या हुआ, मतलब पीपीएम मतलब भाग पर पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन में पृथ्वी की तुलना में, किसकी पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी की तुलना में क्या है ये, बहुत अधिक शुष्क है। ठीक है, बहुत अधिक शुष्क है, बहुत अधिक शुष्क है, मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा की जो मतलब साइड पे इन्होंने पांच चंद्र लैंडरों द्वारा पानी की खोज की है, उसमें फर्स्ट ऑन साइट की है। ठीक है, इसमें अध्ययन में साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित किया, इन्होंने बताया कि लैंडर स्थल पर चंद्रमा की मृदा में 120 भाग प्रति मिलियन, ठीक है, और 120 ग्राम प्रति टन पानी, मतलब पानी की बूंद शुष्कता बताई गई है। ठीक है, ये हल्की बेस्फोफिटगत सेल्स में 180 मतलब एक भाग पर मिली पृथ्वी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा शुष्क है, मतलब एक तरीके से मिट्टी में पानी तो है मतलब बहुत ही कम मात्रा में है। ये चीज़ चीन के लैंडरों द्वारा बताई गई है और चीन के डाटाबेस की जो आधिकारिक तौर पर जानकारी है उसके आधार पर इस चीज़ को बताया गया है कि चांद पे पानी की मात्रा कितनी कम है पृथ्वी की तुलना में। ठीक है, मतलब पानी है वहाँ पे। ठीक है, देश के निर्माणाधीन अंतरिक्षयान, सॉरी देश के निर्माण ठीक है क्या हुआ, इन्होंने के देश के मतलब जो अपने देश में निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के कोर में, स्टेशन के कोर मॉडल में कोर मॉड्यूल में चीन अंतरिक्ष यात्री पहली बार तीन अंतरिक्ष यात्री पहली बार में कौन से चीन के, किसके चीन के तीन चीनी अंतरिक्ष यात्री फर्स्ट टाइम किसके तियान झाओ तीन तियान झाओ टू कार्गी ठीक है सॉरी कार्गो कार्गो क्राफ्ट से मैन्युअली ठीक है मैन्युअली रिड्यूस और डॉकिंग प्रोग्राम डॉकिंग प्रोग सफलतापूर्वक किया क्या किया देश में निर्माण अधि अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल में तीन अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार तिनेऊ टू कार्गो क्राफ्ट के मैन्युअली रेड्यूस और डॉकिंग प्रोग्राम को सफलतापूर्वक किया। ठीक है, पहली बार फर्स्ट टाइम ठीक है किया यह प्रोग्राम पहली बार चीन अंतरिक्ष यात्रा में सबसे पहली बार यह कहाँ हुआ था चीनी अंतरिक्ष ठीक है चीनी अंतरिक्ष यात्री
यात्रियों, कौन कौन से चीनी अंतरिक्ष यात्रियों किस किसने किया? झाई। झाई ड्यूंगा। झाई जो भी लिखा हो ये पढ़ लिए, ठीक है। और गु पांग फू, ठीक है। इसके बाद कौन थे? एक और था इसमें, वांग, ठीक है। वांग यंगपिंग, यपिंग, ठीक है। वांग यंगपिंग ने इसको क्या हुआ, मैन्युअली ऑपरेट किया, जैसे मैन्युअली टेली ऑपरेटर उपकरण के इस्तेमाल किए, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इन्हीं लोगों ने इस चीज को कर दिखाया, ठीक है। किसको? देश के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल में 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने फर्स्ट टाइम तीनों वाव कार्गो एयरक्राफ्ट के मैन्युअली रेडियो और डॉकिंग प्रयोग को किया, ठीक है। किसका? डॉकिंग, डॉकिंग प्रयोग का। इसमें फर्स्ट टाइम चीन के अंतरिक्ष यात्री झाई डुंगांग डुंगांग गुआंग फू और वोंग या फक और यंग पिंक पिक यंग फिंक ने किया, ठीक है। इस चीज को इन तीनों यात्रियों ने किया, ठीक है। ये तीन अलग अलग यात्री है, फर्स्ट थर्ड, ठीक है। इन तीन यात्रियों ने इस कारनामे को कर दिखाया, ठीक है। 10 जनवरी को, ठीक है, हिंदी दिवस के, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाएगा, विश्व हिंदी दिवस के रूप में, ठीक है। किसको? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। कितनी तारीख को मनाया गया? 10 जनवरी को किसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। हिंदी का शब्द का मतलब एक तरीके से अर्थ क्या है, ठीक है। हिंदी शब्द का जनरेट कहाँ से? ये फारसी शब्द हिंद से हुआ है, ठीक है। हिंद से हुआ है, ठीक है। इसका जन्म, उसकी उत्पत्ति, जिसका अर्थ है कि सिंधु सिंधु नदी की भूमि, सिंधु नदी की भूमि, सिंधु नदी की भूमि, ठीक है। हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? सिंधु नदी की भूमि। ये बहुत ही कम लोग बताते हैं कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या है। हिंदी शब्द का अर्थ है सिंधु नदी की भूमि, ठीक है। इसमें 1900 कहाँ पे, इस पहली बार कहाँ पे हुआ था? 1975 में इस चीज़ को शुरू हुआ था। और यह पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया था, ठीक है। कब? 1975 में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया था। यह सम्मेलन नागपुर और महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे? नागपुर व महाराष्ट्र, ठीक है। क्या हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व पहला विश्व हिंदी दिवस के रूप, विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। सॉरी, सम्मेलन हुआ था इसमें 1975। इसी दिन को क्या मना दिया गया? हिंदी दिवस के रूप में मना दिया गया, ठीक है। और कब इसको पहली बार राष्ट्र के प्रति कब सौंपा गया? इस दिन को 2016 में, 2006 में, कौन से पीएम, तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह द्वारा, ठीक है। मनमोहन सिंह द्वारा इस चीज को बताया गया, ठीक है, कि 10 दिसंबर को इन्होंने, 10 जनवरी को इन्होंने क्या किया, हिंदी दिवस को घोषित कर दिया कि 10 जनवरी को सभी लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे पूरे विश्व में। पूरे विश्व में नहीं, खैर जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है उस जगह क्या पूरे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? हिंदी हिंदी का हिंदी शब्द का अर्थ है सिंध भूमि, सिंध नदी की भूमि, ठीक है। एक काम किया यूपी सरकार ने, ठीक है, यूपी सरकार ने, यूपी सरकार ने जिले में, जिले यूपी सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के 5 राज्यों में स्थित 5 राज्य स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया, ठीक है।
क्या किया? यूपी सरकार ने चार गांवों को क्या किया? राज्य से घोषित, राज्य से रुकना, क्या क्या यूपी सरकार ने चार गांवों को राज्य से गांव घोषित कर दिया गया? ठीक है, ये नेपाल की सीमा से लगे हुए काद गांव थे। किसकी? ये क्या था? नेपाल की सीमा से लगे हुए गांव थे। ठीक है, चार गांव थे। यूपी सरकार ने क्या किया? राज्य से गांव घोषित कर दिया। ठीक है, इन गांव में कौन कौन से गांव थे, उनके नाम लिख लीजिए। मेहनपुरावा, मैनपुरावा तहसील में स्थित, तहसील में स्थित। ठीक है, इस तहसील में स्थित थे। कौन सी तहसील लगती? मैनपुरावा। ठीक है, इस तहसील में भवानीपुर, ठीक है, तोड़िया, ढोकिया, ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा है? मिछैया। ठीक है, इस चीज को क्या किया इन्होंने, राज्य सरकार ने क्या किया? चार राज्य से गांव घोषित कर दिया। ठीक है, इनको कर दिया, चार गांवों को इन्होंने क्या किया? नेपाल की सीमा से लगे हुए थे, जिससे जिससे मतलब नेपाल का देखो कोई भी सीमा से लगे हुए गांव है तो इनको हड़पने की फिराक में, देखो जमीन जायदाद हड़पने की फिराक में था, इसलिए यूपी सरकार ने इस चीज़ को, फैसले को कर दिया। ठीक है, साइंटिस्ट ने, ठीक है, क्या हुआ? साइंस प्रेस के वैज्ञानिक, साइप्रस के वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन, ठीक है, ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट कौन सा? डेल्टा और डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन, ठीक है, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट, दोनों प्रकार के वेरिएंट ने मिलकर एक डेल्टा क्रॉन, कौन सा? डेल्टा डेल्टा क्रॉन क्या हुआ? इन दोनों के डेल्टा क्रॉन नामक क्या हुआ? वायरस मिला। ठीक है, इसी कोरोना का वायरस का नया वेरिएंट, ठीक है, ये न्यू वेरिएंट है। ठीक है, इसमें ये न्यू वेरिएंट है, ठीक है, ये डेल्टा नामक न्यू वेरिएंट है। इसमें से 25 में से 11 मतलब 25 मरीज मिले, ठीक है, इसमें कितने? 25 मरीज मिले, जिसमें से 11 मरीज हॉस्पिटल में थे, और जबकि शेष इसमें क्या थे? बाहर मौजूद पाए गए, मतलब 14 लोग आम जनता के बीच पाए गए। अब जनता में पाए गए, ठीक है, इस चीज को बताया गया है, ठीक है, कि ये कितना घातक हो गया है। दक्षिण कोरिया के अभिनेता, ठीक है, दक्षिण कोरिया के अभिनेता ओंग योंग
कौन से दक्षिण कोरिया के अभिनेता? क्या नाम है इनका? ठीक है जी, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका दक्षिण कोरिया के क्या है ये अभिनेता है? ठीक है, कोरिया अभिनेता है जिनकी फिल्म क्या थी, मतलब स्कॉट फिल्म में जो बूढ़ा बूढ़ा आदमी था, ठीक है ना, जो बूढ़ा आदमी था, ठीक है, कौन सी फिल्म में, फिल्म का नाम क्या है, जो बूढ़ा आदमी था उनका नाम है ये, उन्होंने स्कॉट गेम, ठीक है, जो कि बहुत चला है बीच में, स्कॉट गेम नामक फिल्म में उन्होंने अपनी भूमिका को लेके हुए, मतलब अपनी कैरेक्टर को लेके हुए इन्होंने क्या किया, देश का पहला गोल्ड, फर्स्ट गोल्ड ग्लोब पुरस्कार जीता, ठीक है, फर्स्ट टाइम अभी तक कोरिया में इस चीज के ऊपर पुरस्कार नहीं दिया जाता, जो कि इनकी भूमिका को लेकर इन्होंने क्या किया, फर्स्ट गोल्ड क्लब पुरस्कार जीता, किसने, दक्षिण कोरिया अभिनेता ओंग ब्योंग सून है, ठीक है, इस फिल्म का नाम था स्क्वाड गेम, जो बूढ़ा आदमी था, और कैरेक्टर कौन सा, बूढ़े आदमी का, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन का इन्होंने क्या किया था, कैरेक्टर किया था, ठीक है, उस चीज़ को लोगों इन्होंने इस चीज़ को दिया था, अभी तक के सबसे महान मंच अभिनेताओं में से एक माने जाने, इन्हें सबसे बड़े महान अभिनेताओं में से एक हो गए, अभिनेताओं में से एक, ठीक है, ये महान अभिनेताओं में से क्या होगा, अब एक हो गए, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हो रही है, शाम को लूसेंट की क्लास होगी, तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और जो लोग रह गए उनको भी ऐड कराएं, इसके बाद और भी क्लासेस होंगी।